ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। खबर एटा उत्तर प्रदेश से है। जिले में 62 लोगों की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनमें से 3 उन रोगियों के नाम भी शामिल हैं जिनकी पहले 19 अप्रैल को कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, और ये तीनों जिले के पहले कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज हैं जिनको बागवाला स्थित COVID-19 L1 अस्पताल में इलाज चल रहा है। पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली है, और जिला अधिकारी सुखलाल भारती ने जिले के लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की है। दरअसल जनपद में बीते 19 अप्रैल को एक महिला समेत 3 लोगों की कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इन तीनों लोगों का इलाज बागवाला COVID-19 के L1 अस्पताल में चल रहा है, और स्वास्थ्य विभाग ने 62 लोगों की जांच कराई गई थी। इसमें पहले इन तीनों लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दोबारा इन तीनों लोगों की कोरोना वायरस की जांच कराई गई थी, जिसमें AMU अलीगढ़ से मंगलवार को आई 62 जांच रिपोर्ट्स में 3 रिपोर्टें भी नेगेटिव आई हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। इसके अलावा 59 और लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं CMO अजय अग्रवाल ने बताया कि जनपद के अलग अलग क्वारंटीन सेंटरों में इस समय करीब 250 लोग जिले में क्वारंटीन है। वहीं जिन लोगों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हुई है और जिन्होंने 14 दिन क्वारंटीन रहकर पूरा समय कर लिया है, उनको छुट्टी दी जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। उनको 62 रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं और सभी 62 रिपोर्ट्स हमारी नेगेटिव हैं, और उन नेगेटिव रिपोर्ट में वो 3 लोग भी शामिल हैं जो हमारे बागवाला हॉस्पिटल में शुरुआत में भर्ती हुए थे। पहले 3 रोगी, उनकी रिपोर्ट जो है जो शुरुआत में पॉजिटिव थी वो अब नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई है। बाकी अन्य सभी रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं। सर, कल तक की क्या स्थिति है, क्या आप में सर कितने लोग क्वारंटाइन रखे गए हैं? हमारे जनपद में अभी बाहर से भी लोग आ रहे हैं, और हम निरंतर हमारा अभियान खोजने का चल रहा है। जो जिन पर भी हम सिम्टम्स के आधार पर या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर ज़्यादा सशंकित होते हैं उनको हम क्वारंटीन कर रहे हैं। हमारे JLN में लगभग 111 और सेंट मैरीज में 119 मरीज हमारे क्वारंटीन हो चुके हैं। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी में भी हमारे 26 मरीज हैं, जो कि एक कस्तूरबा गांधी स्कूल जो है जो हरिचंद सिचुएटेड है, उनको हम आज फाइनल स्क्रीन होगा और हो सकता है उनको छुट्टी मिल जाए क्योंकि 14 दिन आज पूरे हो रहे हैं।